लॉकडाउन के चलते कुछ ऐसे परिवार हैं जहां तक ना तो कोई सामाजिक संस्था पहुंच रही है और ना ही कोई सरकारी सुविधा। ऐसे परिवारों को खाद्य सामग्री पहुंचा रहे ग्राम सचिव ईश्वर सिंह। ईश्वर सिंह फौज में से रिटायर हैं और अपने बलबूते पर जरूरतमंद लोगों को खाद्य सामग्री पहुंचा रहे हैं। उन्होंने बताया कि वे अपने साथियों के साथ पानीपत व आसपास के जिले शहरों में जाकर उन लोगों की मदद कर रहे हैं जो ताज़ा कमाते और ताज़ा खाते थे, लेकिन लॉकडाउन के चलते वे कुछ कार्य पर नहीं जा पा रहे। अब तक तकरीबन 1500 परिवारों तक खाद्य सामग्री पहुंचा चुके हैं। खाद्य सामग्री में आटा, चाय पत्ती, सब्जी, नमक, तेल, बिस्कुट, रोजाना इस्तेमाल करने वाली चीज़ें शामिल हैं। ईश्वर सिंह बताते हैं कि वो फौज में काम करने के कारण संकट की इस घड़ी में देश सेवा करने का मन अपने आप हो जाता है। सरकार द्वारा मिली पेंशन व ग्राम सचिव की नौकरी के कारण आज वे सब कुछ कर पाने में समर्थ हैं। उनका प्रयास है कि कोई भी भूखा न सोए और ऐसे में जहां तक हो सके उन तक सुविधा पहुंचाई जाए। फौज से रिटायर व ग्राम सचिव के पद पर कार्यरत ईश्वर सिंह ने आज मतलोडा में झुग्गू बस्तियों में वह गांव अटावला में बस रहे प्रवासियों को खाद्य सामग्री पहुंचाई। इसके साथ साथ उन्होंने उनको सैनिटाइज भी किया और ईश्वर सिंह ने बताया कि जहां तक उनकी कोशिश रहेगी कोई भी व्यक्ति लॉकडाउन के चलते भूखा नहीं रहेगा। इसी प्रयास से वो दिन रात लगे रहते हैं और सबको कहां कहां राशन बांटा सर आपने? सबसे पहले तो जी मैं ईश्वर सिंह ग्राम सचिव BDPO कार्यालय में कार्यरत हूँ और जी इसके साथ में जब से प्रधानमंत्री ने ये लॉकडाउन के लिए घोषणा करी थी उस समय ठीक 3 दिन के बाद में मैं इस लॉकडाउन के जो गरीब लोग हैं और जिनके पास मतलब अपनी दिहाड़ी मजदूरी रोजी रोटी कमाते थे उन लोगों को मैंने समान रसोई का विस्तृत किया, जो कि मैंने पहले नंबर हमारे डिस्ट्रिक्ट जींद से चालू किया था सर मुहिम। उसके बाद में मैं हिसार, फतेहाबाद, कुरुक्षेत्र, अम्बाड़ा, कैथल, पानीपत, सोनीपत, रोहतक, भाद्रगढ़ और आज मैं आपके यहाँ मतलोडा में आया हुआ हूँ सर। और यहाँ भी जो भी गरीब आदमी अभी जहाँ मैं बांट कर आया हूँ विस्तृत करता हूँ सूखा सामान देता हूँ सर तो बड़ी मेरे को, क्योंकि ऐसे गरीब आदमी जिनके पास राशन कार्ड भी नहीं था ना उनका कोई आधार कार्ड था और वो तो इतने गरीब आदमी है कि उनका बच्चा बीमार बताया गया तो जो पड़ोसी हैं उन्होंने कहा कि दवाई के लिए भी उनके पास पैसे नहीं है। लेकिन सबसे पहले तो ये भी था कि यहाँ सरकारी मेडिकल होगा तो मेडिकल में उनको बताना ज़रूरी था किसी न किसी ने इंसान ने कि भी सरकारी मेडिकल में सुविधा दे रखी है सरकार ने और वैसे भी राशन के लिए भी वैसे सरकार तन और मन धन से दे रही है, लेकिन मैं तो सिर्फ उन लोगों को ही दे रहा हूँ जो लोग ना तो उनका राशन कार्ड है ना उनके पास वोटर कार्ड है, वो किसी कारण से छूट गए या पता नहीं उनको ज्ञान नहीं था तो सरकार भी हमने के समय समय पर कहते हैं कि अपना राशन कार्ड बनवाओ, आधार कार्ड बनवाओ, लेकिन फिर भी अगर ऐसे इंसान गरीब आदमी है प्रतिदिन दिहाड़ी करते हैं हो सकता है वो बेचारे अपनी दिहाड़ी के चक्कर में रहते हैं, लेकिन फिर भी मान लें कि सरकार भी तन मन धन से दे रही है, लेकिन कुछ ऐसे हैं कि लोग रह भी जाते हैं ना उनको कोई डिपोल्डर देता है कि उनकी भी देखो ड्यूटी है वो भी क्या रिकॉर्ड उन चढ़ाए, कई बार कह देते हैं डिपोल्डर नहीं दे रहा, डिपोल्डर भी क्या देगा जब उनके पास में चढ़ाने के लिए कोई चीजें नहीं है। बिल्कुल, तो इसलिए मैंने जहाँ भी पता लग जाता है नहीं अगर भी फलानी जगह जाना है वहाँ ऐसे ऐसी बात है या तो पता लग जाता है या मेरे को कोई बता भी देता है। और वैसे मैंने सरकारी कार्यालय में हॉस्पिटल में भी हर एक जगह जितने मान लगे संपर्क में है उनसे भी मैंने बता दिया, जितने मान लगे मेरे साथ के ग्राम सचिव हैं उन भाइयों को भी, लेकिन हमारे हरियाणा में जितने ग्राम सचिव हों भी तन मन धन से भी लगे हुए हैं, ऐसा कोई नहीं है हमारे BDO ऑफिस का कर्मचारी जो कि किसी के लिए कुछ न कुछ करता रहता है समय समय पर,
और लेकिन मैं तो इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैंने तो जिंदगी में है नहीं कि मेरे जो खानदान में गरीब भी देखी है और गरीब भी इतनी देखी है कि हम कई बार तो है नहीं कि हमारी मम्मी जी के अंदर शाम को है नहीं तो पानी पिला के भी सुवा देती थी, कहती बेटा आज है नहीं कि रोटी नहीं मिलेगी। और कई बार तो है नहीं कि ये भी कह देती थी बेटा पड़ोसी का अगर मान ले के जाओगे तो पड़ोसी नहीं देगा तो बेटा वह भी बेचती है। तो लेकिन ऐसी मान ले के गरीबी देखी हुई जिस इंसान ने और आज अगर मान ले के लॉकडाउन के अंदर जो क्योंकि ये जो कोरोना महामारी है सरकार भी सही लॉकडाउन लगा रही है क्योंकि इंसानों को बचाने के लिए पशु पक्षी सभी को। और लेकिन इसके अंदर कई लोग ये भी समझते हैं आगे भी लॉकडाउन तो लग गया लेकिन हमारे को खाने से कहाँ से मिलेगा। सरकार ने 3-3 महीने का एडवांस भी देने लग रही है और इसके साथ में हर मान लें कि संस्थाएँ कोई न कोई इंसान रहने के किसी किसी के दिल में रहने के दया भावना भी होती हैं तो सभी लगे हुए हैं वैसे तो। लेकिन कुल मिला के ये है कि मेरे को तो सिर्फ उन लोगों को संपर्क में जो आते हैं किसी का मान लें कि राशन कार्ड नहीं वोटर कार्ड नहीं कुछ लोग ऐसे भी मिलते हैं जैसे उधर से काम करके आए हैं कोई मध्य प्रदेश से आ रहा है कोई कहीं से आ रहा है पैदल तो उनके पास में भी यानी कि रोटी रोजी कमाने के लिए गए थे लेकिन बेचारे उधर से ही भूखे बहाने पैसे चल रहे हैं तो रास्ते में गाड़ी रुका कर उसे मैं इनको पानी देता हूँ और उनसे खाने के लिए पूछता हूँ और ठहराने के लिए बोलता कहता हूँ भाई कहीं धर्मशाला या सरकारी हॉस्पिटल में या आपको स्कूल में कहीं ना कहीं ठहरा देंगे। लेकिन वो कहते हैं कि सर हमने तो पंजाब में जाना है या राजस्थान जाना है तो उनको चाय पानी पिला कर उनको रोटी राटी तो होती नहीं मेरे पास में पानी और फल फ्रूट होता है बिस्कुट होते हैं उसके बाद में मैं आगे निकल जाता हूँ। और कुछ कहना चाहेंगे सर आप समाज के लिए? समाज के लिए तो ये है कि जब तक हमारे देश से कोरोना महामारी बीमारी है जो जब ये चली जाएगी और हमारे प्रधानमंत्री जी उस समय ये लॉकडाउन खोल देंगे तो उस समय मान लें कि मैं लास्ट एंड वहाँ से जहाँ से स्टार्ट किया था वहीं जाकर स्टार्ट को बंद करवा सकता। ठीक, थैंक यू।